हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन कपूर। क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस खास एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें भनक तक नहीं लगती कि कब हम इंडिया के कुछ मोस्ट वांटेड दहशत फैलाने वालों के निशाने पर आ जाते हैं। कई बार तो हमारी जिंदगी बस किसी कोने में छिपी घड़ी की टिक टिक पर टिकी हुई होती है और हम बेखबर बस अपनी कलाई पर बंधे समय के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम हर रोज अपने दिन भर की भागदौड़ के बाद अपने अपने घरों में महफूज लौटकर चैन की नींद सोते हैं। और ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाता है क्योंकि कुछ जाबाज हीरोज हमारी रक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कुछ ऐसे ही दिलेर हीरोज की। ये हीरोज अगर ना होते तो मैं नहीं होता और आप नहीं होते। ऑपरेशन दिवस एक ऐसा मिशन था जिसको पूरा करना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और CSF यानी कि सिविल सिक्योरिटी फोर्स के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसा काम था। दाव पर लगी थी हजारों मासूम लोगों की जान और CSF की जरा सी भी चूक का मतलब था हमारे पूरे देश की बर्बादी। मिका देव, दर्शन तो हो गए, थोड़ा प्रसाद भी तो देती जाओ। तू भी हक करता है यार, जब तक हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो प्रसाद कैसे देगी। हम तो कब से तैयार है पूजा के लिए, बस देवी एक बार हमारे पास तो आए। अंबिका, अंबिका, क्या हुआ अंबिका? बेटा रो क्यों रही है तू? मुझे यहाँ नहीं रहना। कितनी बार कहा है आपसे, मुझे चले जाते पर आप लोग मेरे सुनते ही नहीं हो। बेटा बता तू क्या बात हो गई है? वही मोहल्ले के लड़के, जब भी रास्ते से गुजरते हो गंदी गंदी बातें करते हैं। अभी खबर लेती हूँ, चल। कहाँ है? इधर ही तो थे। भाग गए कमीने। बेटा अगली बार वो तुझे कुछ बोले ना तो सबसे पहले मुझे आके बताना, पुलिस में रिपोर्ट करूंगी उनकी। बात करके चले जाएंगे बस। खाली साहब, तुम फिर आ गए विष्णु? बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो? तुमसे बोला है ना कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुलाएंगे। अभी जाओ यहाँ से। तो क्या बताऊँ साहब, जिंदगी भर के कमाई लूट ले गए वो लोग। लेकिन तुम अकेले नहीं हो विष्णु, तुम्हारे जैसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने लालच में आकर अपनी जिंदगी भर की कमाई एक फेक ऑनलाइन लॉटरी के गेम में कमा दी है। ये कैंसर का 50 लाख रुपया? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। पचास लाख पाने के लिए आपको 25,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप जैसा बेपरवाह बाप मैंने आज तक नहीं देखा। ले बेटा पानी पी ले। मैं तुम्हारी तरह रो रो के जताता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं है। प्यार होता तो कम से कम इसके पैर का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाते। इतने महीनों से आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेके जा रहे, क्या फायदा हुआ? थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से चल। हे माँ देवासी रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तुम लोगों का ही गेम खेलकर तुम तक पहुंचे हम, पर ये क्या बचकाने सवाल पूछते रहते हो तुम लोग? ताजमहल किसने बनाया, भारत की राजधानी कहाँ है, मुझसे सीखो। मेरे सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। बताओ कहाँ से कूटना शुरू करूं तुम लोगों को, पहले सर फोड़ूं
बेटा नहीं नहीं कोरस में रोना बंद करो तुम लोग। पिछले 7 महीने से सैकड़ों लोगों को लूटा है तुमने और करीब 50 लाख से ज्यादा की लूट की है। अब सीधी तरीके से बता दो वो पैसा कहाँ है वरना आर्थिक माँ कसम हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमने सारा पैसा आरिफ को दे दिया था साहब। कौन आरिफ? साहब आरिफ उसी का तो ये प्लान था। हम लोग उसी के लिए काम करते थे साहब। महीने का 25,000? हाँ 25,000 और अगर काम अच्छे से किया तो 30 भी दूंगा। वैसे काम एकदम हलवा है संजय। जैसे लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं वैसे ही लोगों को ऑनलाइन लॉटरी खिलानी है। आरिफ के बारे में हम और कुछ नहीं जानते हैं साहब। और हम तो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ काम करते हैं साहब। जी साहब। पिछले 7 महीने से आरिफ के लिए काम कर रहे हो तुम लोग। ना तो उसका फोन नंबर मालूम है और ना ही पता। फोटो वोटो भी नहीं हो? नहीं नहीं साहब तस्वीर है एक उसकी मैंने चुपके से खींच ली थी लेकिन साहब वो मेरे फोन में है और फोन आप लोगों ने जब्त कर लिया है। सुधीर साहब यही तारीफ। सुधीर इस फोटो को क्राइम डेटाबेस में चेक करो। आई एम श्योर ये कोई पुराना चावल है। इसका कोई ना कोई क्राइम रिकॉर्ड जरूर मिलेगा। सर ये रिपोर्ट मुझे कल तक चाहिए। सर इस आरिफ का असली नाम असलम शेख है और असलम IRR का एजेंट है। इंटरनेशनल रेडिकल रेबल्स का एजेंट? ये IRR तो दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है। ये दहशतगर्दी की संस्था से जुड़ा हुआ असलम फेक ऑनलाइन लॉटरी के गेम में क्यों इन्वॉल्व हुआ? सुधीर फॉरन DCP ऑफिस और CSF ऑफिस में इन्फॉर्म करो ये केस जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं। मामला कुछ और ही है। IRR के ऑपरेशन में नाम सामने आया है इस आरिफ और असलम शेख का। इस असलम शेख का फेक ऑनलाइन लॉटरी स्कैम में इन्वॉल्व होना बात कुछ समझ में नहीं आ रही सर। इस स्कैम से करीब 50 लाख लूटे असलम ने। सर कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट में नकली नोट घुमाने के लिए स्कैम किया गया या फिर शायद खूंखार मुजरिमों तक पैसा पहुंचाने के लिए हथियार खरीदने के लिए या फिर स्लीपर सेल? सर मैं लोकल खबरी नेटवर्क एक्टिव करता हूँ। आनंद संयुक्त लग जाओ काम पे। हमें किसी भी सूरत में आरिफ उर्फ असलम शेख को जल्द से जल्द पकड़ना। शहर में सभी जगह नाकाबंदी करो। इसके तस्वीर को सब जगह सर्कुलेट करवाओ। ये मामला सिर्फ एक स्कैम का नहीं है गेम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। करीब 11 बजे उज्जैन के केसी मार्केट में ये बॉम्ब धमाका हुआ है। राजनीतिक दल जागरण मंच का कार्यालय भी यहीं पर है। जब जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की गाड़ी वहां से गुजर रही थी तभी ये विस्फोट हुआ। इस धमाके से यहां के रहवासी काफी दहशत में हैं। इस हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 50 लोग घायल हो चुके हैं। भरे बाजार में दिन दहाड़े हुए इस धमाके के पीछे किस दहशतगर्दी संगठन का हाथ है इसका अभी पता नहीं चल पाया है। बॉम्ब में जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डैमेज कर सके। सर इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इन सब में असलम का हाथ है। असलम पॉलिटिकल पार्टी जागरण मंच के ऑफिस के बाहर के CCTV में कैप्चर हुआ है। ये 1 हफ्ते पहले की फुटेज है। सर मध्य प्रदेश में जागरण मंच दल के अध्यक्ष हैं गोपाल स्वामी। मुझे लगता है कि असलम के टारगेट यही थे लेकिन गोपाल स्वामी की किस्मत अच्छी थी कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन वो गाड़ी में नहीं थे। लेकिन एक IRR एजेंट किसी दल के नेता को क्यों मारेगा? वो भी गोपाल स्वामी जैसा नेता जो किसी बड़े ओहदे पर भी नहीं है। तार जुड़ नहीं रहे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो
ठीक है सर, खबरी जाबिद का फोन है, असलम का ठिकाना पता चल गया। बेटा चिंता मत करो, ये लेप लगाने से तुम्हारा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। हम इस अस्पताल में हड्डियों को आयुर्वेदिक पद्धति से जोड़ते हैं, आप देखिएगा हमारे उपचार और देवासी रानी की कृपा से आपका बेटा बहुत जल्द चलने लगेगा। इसी विश्वास से तो वीर को इतने महीनों से आपके पास ला रहे हैं। बोलो असलम, उज्जैन आने के पीछे तेरा क्या मकसद है? फेक ऑनलाइन लॉटरी से जो 50 लाख कमाए थे वो कहाँ? वो पैसे क्यों चाहिए थे? और तेरे साथ हर कौन है? कोई नहीं है साहब, बस मार्केट में नकली नोट घुमाने थे। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। वो 50 लाख किसी मार्केट में बम ब्लास्ट के लिए चाहिए था ना? बोल, और कौन शामिल है तेरे साथ? तेरा पार्टनर कौन है? तेरा स्लीपर सेल कहाँ है? बोल। सर, एक मिनट। सर, माजिद के घर से जो कागज के टुकड़े मिले थे हमें, उन टुकड़ों को हमने जोड़ तो लिया है, लेकिन उसमें ज्यादातर अक्षर मिट चुके हैं, मैसेज क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि इतना श्योर है कि उसमें उर्दू में पुलिस और एक अधूरा शब्द मां लिखा हुआ है। पुलिस माँ, तो क्या उनका अगला टारगेट कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस हेडक्वार्टर है? ये क्या कोड है? पुलिस माँ, आई थिंक आई गॉट इट। बेकार में इतनी मार खाई, खुद बोल देता तो चाय खराब नहीं होती बल्कि तुझे पिला देता। बोल दे क्योंकि तेरा पुलिस माँ जिद्दी तुझे नहीं बचा पाएगा। बोल, सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड के चार्जेस नहीं, बम ब्लास्ट के चार्जेस भी लगेंगे। लंबा जाएगा तो अब तेरा पुलिस माजिद कुछ नहीं कर पाएगा। साहब, मैं मानता हूँ वो 50 लाख मैंने पुलिस माजिद को दिए, लेकिन बम ब्लास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। काम सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करना था और ये गोपाल स्वामी के आने जाने का टाइम पता करना था। उज्जैन में ब्लास्ट कब और कहाँ हो गए मुझे नहीं मालूम साहब। तेरा ये पुलिस माजिद उज्जैन में? पुलिस माजिद की हर छोटी बड़ी डिटेल पता करो, उसके सारे केसेस की फाइल्स, उज्जैन के सभी सीसीटीवी और असलम शेख के सारे कॉल रिकॉर्ड्स सब कुछ स्कैन करो जल्दी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सब पुलिस माजिद। पुलिस माजिद का असली नाम है माजिद अंसारी। माजिद अंसारी के पिता मसूद अंसारी ये बिहार में पुलिस कांस्टेबल थे, इसीलिए मसूद अंसारी के बेटे माजिद को लोग पुलिस माजिद के नाम से बुलाते हैं। पुलिस माजिद का ये नाम पहली बार 2010 के बॉम्ब ब्लास्ट में सामने आया। 2010 के ब्लास्ट के बाद इसे पकड़ने में मुश्किल नहीं हुई क्योंकि ब्लास्ट में घायल हुए लोगों की चीखें सुनने का शौक है इसे, सनकी आदमी है। पुलिस ने इसे साइट पे ही पकड़ लिया। 2010 से लेकर 2015 तक ये जेल में ही था। फिर 2015 में जब इसके कांस्टेबल पिता की मृत्यु हुई तो ये पेरोल पे बाहर निकला, उसके बाद ये फरार हो गया। और सर, फरार होने के बाद ये पुलिस माजिद दो पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या में भी शामिल रहा है, ये सतीश गुरु और दूसरा ये वरुण दास। ये दोनों भी गोपाल स्वामी की तरह जागरण मंच दल के नेता थे। ये दोनों हत्याएं कब हुई? ये सतीश गुरु 12 मई 2015 सूरत में और ये वरुण दास 22 फरवरी 2016 बनारस में। होल्ड ऑन,
मतलब साफ है, ये पहले किसी शहर में किसी पॉलिटिकल लीडर का कत्ल करता है और फिर उसके कुछ दिन बाद वहाँ पे बम ब्लास्ट करता है। यहाँ 12 मई को कत्ल, 19 मई को बम ब्लास्ट, और फिर बनारस में 22 फरवरी को कत्ल और 27 फरवरी को बम ब्लास्ट। तो आपका ये कहना है कि ये पैटर्न है? एब्सोल्युटली पैटर्न है। हो सकता है अगला ब्लास्ट उज्जैन या उसके आसपास के इलाके में हो। पर गोपाल स्वामी तो बच गया था सर, हो सकता है इसे भी फिर से मारने की कोशिश हो। बिल्कुल, इस गोपाल स्वामी की सिक्योरिटी बढ़ाओ। ये पुलिस माजिद हमेशा हमसे दो कदम आगे रहा, लेकिन इस बार हमें उससे आगे रहना है। इससे पहले किसी बेकसूर को अपना निशाना बनाए, हमें इसे रोकना है। सर, पुलिस माजिद 5 साल जिस जेल में था, मैं उसके जेलर से बात करती हूँ। इन 5 सालों में उसे कोई ना कोई तो मिलने आया ही होगा, या जेल में उसका कोई दोस्त बना होगा। सर, आई एम श्योर जेल में हमें पुलिस माजिद के बारे में जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस पुलिस माजिद की पोस्टर छपवा हर जगह, और इसके नाम पर 5 लाख का इनाम डिक्लेयर करो। ये पुलिस माजिद मुझे किसी भी सूरत में चाहिए। अरे वाह, क्या चाल है, क्या बाल है, अंबिका तो कमाल है यार। ये क्या बदतमीजी है, तुम लोगों। भाई साहब, वीर ना जल्दी ठीक हो जाएगा, माँ देवासी रानी जल्दी उस पर कृपा करेंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। पुलिस माजिद जिस जेल में था, उस जेल के जेलर से मैंने बात की। यूं तो माजिद की फैमिली ने उसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, इसीलिए इतने सालों में कोई उसे मिलने नहीं गया, और इन 5 सालों में उसका कोई दोस्त भी उसे मिलने नहीं आया। बट हाँ सर, वो जेल में काफी पॉपुलर हो गया था। क्यों? क्योंकि सर वो खाना अच्छा बनाता था, स्पेशली बिरयानी, और ये बात भी मुझे जेलर ने ही बताई। और सर, जेलर ने ये भी बताया कि पुलिस माजिद जेल की रसोई में चोरी छिपे खुद का किचन चलाता था, कैदी उसे पैसे देकर बिरयानी खरीदते थे। और हाँ सर, इस बिरयानी के लिए स्पेशल राइस वो बाहर से अपने किसी दोस्त से मंगवाता था। और जब 2015 में पुलिस माजिद के कांस्टेबल पिता की मौत हुई, तब उसे पेरोल पे बाहर छोड़ा गया, लेकिन तब वो फरार हो गया, फिर कभी नहीं पकड़ा गया। और अब शायद उज्जैन में कहीं छुपा हुआ है। इतना तो साफ है कि पुलिस माजिद अब कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। बच्चों की तरह बैठ के आप भूल गए क्या मंदिर जाना है? और बस 2 मिनट, आखिरी चाल जल्दी मेरी। आप भूल गए हैं क्या, माँ देवासी रानी के मंदिर में आज राशन अर्पित करने जाना है। जल्दी उठिए, छोड़ दीजिए मोबाइल। पापा आप जल्दी मंदिर चले जाइए, नहीं तो माँ देवासी रानी के क्रोधित होने से पहले माँ क्रोधित हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, और तेरी माँ से तो मैं वैसे भी डरता हूँ। देख बेटा वीर, अभी ये कच्चा है, थोड़ा ध्यान से इस पे ज्यादा। अरे राजेंद्र भाई, पैर कैसा है वीर का? अभी सीधर भाई, अभी सही होने में वक्त लगेगा। वीर तू इतना दुखी क्यों है? चल मुझे एक न्यू गेम पता है, मालूम है, हम बैठ के भी खेल सकते हैं उसको। सीधर भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वीर के इलाज के बारे में जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसलिए मैं आपका उधार चुकता नहीं कर पाया। लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना होइए, मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। अरे क्या बात कर रहे हैं राजेंद्र भाई साहब, आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, आपका उधार है मुझ पर, और ये उधार तो मैं चाह के भी नहीं चुका सकता। आप पैसे वैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस वीर का इलाज कराइए अच्छे से, ठीक है? जी श्रीधर। अरे श्रीधर भाई, आप मंदिर जा रहे हैं? जी। मैं भी आपके साथ आऊं, हो सकता है देवासी रानी के दर्शन से मन थोड़ा हल्का हो जाए। चलिए आइए।
साजिद हमारे ही बीच एक आम इंसान का चेहरा लिए छिपा बैठा था। कड़ी नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशंस के बावजूद इंडिया मोस्ट वांटेड पुलिस मजीद सिविल सिक्योरिटी फोर्स की नजरों से बचा हुआ था। माजिद एक बार फिर पुलिस से दो कदम आगे चल रहा था। माजिद कहाँ छुपा था, उसका प्लान क्या था, पुलिस और सीएसएफ अब भी इस बात से बेखबर थे। इस बार चाय ठंडी होने से पहले पी लेना। चलो कम से कम इसी बहाने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो देखने को मिली। एक मिनट। सर हमने अक्रम को पकड़ लिया। ये अक्रम ही पुलिस माजिद को जेल में बिरयानी के लिए चावल सप्लाई करता था। कह रहा खबर देने के पैसे लेगा। ठीक है, उसे रोक के रखो, पहुंच रहा हूं। कौन है? खेल शुरू हो चुका है, अब खेलते। देख अक्रम, इससे पहले कि तू हमें कोई भी खबर सुनाए, एक बात अच्छी तरह समझ ले। अगर तुमने हमें डबल क्रॉस किया या कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो जिंदगी में कभी चलने लायक नहीं बचेगा। हो जा शुरू। एक खबर का 10,000। साहब पर पोस्टर पे तो आपने लाखों लिखा था, अब तो चिल्लर पे आ गए। उस पोस्टर पे माजिद की तस्वीर और वही नाम की रकम उसे मिलेगी जिसे माजिद का ठिकाना पता। तुझे तो पता उसका ठिकाना? ठीक साहब। तो जितना पता उतना बोल। खबर में जितना दम होगा नोटों में उतना वजन होगा। साहब मैं माजिद को जेल में चावल पहुंचाता था। कभी कभी माजिद चावल के दाम से ज्यादा पैसे मुझे दिया करता था। माजिद भाई ये 100 का नोट ज्यादा है इसमें। इस नोट को अपनी दुकान में रखना, मेरा आदमी आकर ले जाएगा। साहब वो माजिद हर 2-3 महीने पे एक नोट ज्यादा दिया करता था। अब ये तो कहना मत क्यों नोट पर क्या लिखा होता था, ये तूने कभी पढ़ा ही नहीं। साहब मैं कैसे पढ़ूंगा साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी। हमारे यहाँ अनपढ़ तो क्या भी पढ़ने लगते हैं। पढ़ना सिखाओ जरा। सब तो मेरे पास एक आखिरी नोट है माजिद का। सब जो उसने पेरोल पे जाने से पहले दिया था, सब उसका आदमी लेने ही नहीं आया। ये है साहब। 7 PM ऑन डॉन, 9 PM डेड अवे। क्या कोड है ये? सर मुझे कैसे पता होगा? सच बोलो। माँ कसम से। हिसाब करो इसको। थैंक यू। सलाम सर। सर पुलिस माजिद जिस जेल में बंद था वहाँ के जेलर से बात हुई तो उसने कहा कि एक बार सरप्राइज चेकिंग में पुलिस माजिद के पास उन्हें एक फोन मिला था। हालांकि उस फोन से कोई कॉल्स नहीं हुए थे, लेकिन हाँ पुलिस माजिद उस फोन का इस्तेमाल सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने के लिए करता था। वीडियो गेम्स जेल में? यस सर। और ये डेयर डेविल और हंट डाउन ये वीडियो गेम्स हैं। वहाँ के जेलर ने यह भी बताया कि पुलिस माजिद को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था। 7 PM हंट डाउन, 9 PM डेयर डेविल, इस तरह का टाइम टेबल बना के वीडियो गेम कौन खेलता है? आई एम नॉट श्योर सर, बट इस तरह के गेम नॉर्मली लोग ऑनलाइन खेलते हैं। अलग अलग जगह के लोग आपस में मिलकर खेलते हैं, साथ में चैट भी करते हैं और हार्ड लेवल को क्रॉस करने के लिए चैट करते हुए आपस में स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी? कहीं ऐसा तो नहीं ये पुलिस माजिद जेल के अंदर बैठा ही इस ऑनलाइन गेम के जरिए अपने जेल के बाहर के साथियों के साथ मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बना रहा? क्योंकि आजकल मुजरिम बहुत शातिर हो गए, वो जानते हैं कि सेल फोन आराम से ट्रेस हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये ऑनलाइन गेम का नया पैंतरा अपनाया। सर मैं अपने साइबर सेल के ऑफिसर्स को इस काम पे लगाती और उनसे कहो कि केसी मार्केट ब्लास्ट के बाद उज्जैन में हंट डाउन और डेयर डेविल जैसी जितनी भी ऑनलाइन गेम्स के यूजर्स हैं सबको खंगालें। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे यूजर्स मिले जो पुलिस माजिद के साथ मिलकर अगले किसी कांड की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ओके सर। वीर बेटा अपने पैरों पर खड़े हो, कोशिश करो। हाँ बेटा कोशिश कर। शाबाश। छोड़ दीजिए उसे, वो अपने आप चलेगा आराम से। बहुत बढ़िया, मैंने आपसे कहा था ना कि आयुर्वेदिक उपचार और मां देवासी रानी का आशीर्वाद अपना असर अवश्य दिखाएंगे। जी चल बेटा। Thank you.
हुआ संध्या? आपको कसम खिला रही हूँ, मुझे देवास रानी मंदिर जाना है। मैंने वहाँ पे एक मन्नत मांगी थी, आप चलोगे ना मेरे साथ? तुम्हें तो पता है कितना बिजी हूँ आजकल। देखो आप हमेशा ही ऐसा करते हो, मैं जहाँ भी जाने के लिए बोलती हूँ ना, आप काम का बहाना। चलूंगा। सच्ची? हाँ संयुक्ता, कुछ पता चला? सर मेरे साइबर सेल के ऑफिसर ने कंफर्म किया है, जब केसी मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस वक्त ऑनलाइन गेम में चैट करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और ये प्लेयर्स गेम नहीं खेल रहे थे, सिर्फ चैट कर रहे थे। अकाउंट ट्रेसेस हुए? तीन अकाउंट ट्रेस हुए हैं, और ये वो तीनों प्लेयर हैं जो एक ही टाइम में एक साथ चैट कर रहे थे, गेम नहीं खेल रहे थे, और पिछले कुछ दिनों में इनकी फोन लोकेशन भी सेम ही थी, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस। और सर वो है मैक्सिम मॉल, सीके वाटर पार्क एंड महाकाल मंदिर। ये सारी लोकेशन तो उज्जैन में उसी रूट पर पड़ती हैं जहां पर छतरी यात्रा का जुलूस निकल रहा। इन लोगों का इरादा वहां कुछ गड़बड़ फैलाने को तो नहीं, कुछ बम वगैरह? संयुक्ता अनंत को तुरंत इन्फॉर्म करो, जुलूस का रूट बदले, और अगर रूट बदलना पॉसिबल नहीं है तो जुलूस जहां है वहीं रोक दो, और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाएं। यस सर, ये तीनों नंबर सर्विलेंस पे है, और मैं इन लोकेशंस पे अपनी अलग अलग टीमें भी भेज देती हूँ। अच्छा, इन तीनों का कोई कॉमन मीटिंग प्लेस है जहां पर ये एक से ज्यादा बार मिले हो? हाँ सर, कल्याणपुरी, और ये वो लोकेशन है जहां पे वो लगभग हर दिन मिले हैं, इनके फोन लोकेशन से पता चला है। तो पूरे चांसेस हैं पुलिस माजिद कल्याणपुरी में कहीं छुपा होगा। अपनी एक टीम लेकर तुरंत कल्याणपुरी जाओ, मुझे ये पुलिस माजिद हर हाल में चाहिए। डोंट वरी सर, मैं खुद जा रही हूँ कल्याणपुरी। लोगों पीछे हो, पीछे हो, पीछे, और पीछे, पीछे चलिए, उधर, उधर। पुलिस माजिद वहां पे मकान नंबर 15 में छुपा हुआ है। ओवर एंड आउट। अनंत एक काम करो, सारा सामान सीज करो और फॉरेंसिक लैब भेजो स्कैन करने के लिए। हो सकता है इस बोरी में बॉम्ब बनाने का सामान सप्लाई हुआ है। ये देखो, इस पे ये कुछ चिपचिपा क्रीम लगा हुआ है। उनसे कहो कि पता करें कि एग्जैक्टली ये है क्या। हो सकता है हमें उस एड्रेस का पता चले जहां से बॉम्ब बनाने का सामान लाया गया है। ठीक है? हाँ, जागरण मोर्चा दल के गोपाल स्वामी को मारने का प्लान था हमारा, क्योंकि वो हमारे लोगों और हमारे मजहब का गुनहगार था। मजहब के नाम पर नफरत फैलाकर ऐवानित करके गुनाह तुम लोग कर रहे हो, तुम लोगों को तुम्हारे गुनाह की सजा मिलके रहेगी। गुनहगार तो तुम भी हो, सजा तुम्हें मिलेगी, बस कल तक का सब्र कर लो। क्या होने वाला कल? कल बताऊंगा। कल क्या होने वाला? अपनी आंखों से देख लेना, लाइव टेलीकास्ट। हाँ संदेह। आदिल, मैंने अभी भी न्यूज सुनी कि आप लोगों ने इस पुलिस माजिद को पकड़ लिया, सारी मुसीबत टल गई। मैंने जो देवास रानी मंदिर में मन्नत मांगी थी ना, ये सब उसका ही फल है। हमें दर्शन करने जाना ही होगा। संध्या, आज नहीं जा पाएंगे, काम के बीच में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम अपनी इबादत करो, मैं अपनी पूजा करती हूँ। मैं खुशी को लेकर मंदिर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना। पुलिस माजिद से हम ऑनलाइन गेमिंग थ्रू मिले थे, उन्होंने हमें समझाया कि हम और हमारे लोग खतरे में है, और हमारा फर्ज है कि उनकी हिफाजत करें। हमें सिर्फ ये कहा गया था कि अलग अलग लोकेशन पे बॉम्ब प्लांट करना है। बॉम्ब का सामान भी खुद पुलिस माजिद ने ही अरेंज किया था,
और कहां से लाया था वो हमें कुछ नहीं पता। हम उनकी बातों में आ गए थे। सर मैंने दोनों लड़कों का बैकग्राउंड चेक किया, उनका सोशल मीडिया अकाउंट, कॉल रिकॉर्ड सब स्कैन किया, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर। शायद ये दोनों लड़के सच बोल रहे हैं। इस पुलिस माजिद ने इन दोनों लड़कों का ब्रेन वॉश किया होगा और इन सब चीजों में इन्वॉल्व किया होगा। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। माजिद के घर से जो बैग मिला था उस बैग में जिलेटिन और नाइट्रेट पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं। नेबर्स ने भी कंफर्म किया कि उस बैग को माजिद ही अपने साथ लेकर आया था। और बैग के अंदर वो जो चिपचिपी चीज थी वो क्या थी? सर वो चिपचिपी चीज आयुर्वेदिक लेप है जो हड्डियों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पता किया है यहाँ से कुछ ही दूरी पर देवास में एक हॉस्पिटल है जो इस तरह के इलाज के लिए फेमस है। वहाँ भी सर कुछ इसी तरह का लेप यूज किया जाता है। देवास यहाँ उज्जैन से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माजिद ने अपने कुछ लोगों को पहले ही यहाँ रखा हुआ था जब वक्त आने पर उसके लिए काम कर सके? स्लीपर सेल, एक काम करो, देवास जाओ, वहाँ जाकर ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करो। हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने के पेशेंट्स के रिकॉर्ड निकलवाओ और चेक करो उन पेशेंट्स में से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। ओके सर। संयुक्त इस माजिद का मुख लुआ किसी भी तरह से। निशा बेटा अभी लंच करने के लिए आया था, जा रहा हूँ। मतलब आज आप लेट आओगे? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज आप जल्दी आ जाओगे। ठीक है मेरे नटखट, मैं ट्राई करूंगा। ओके ट्राई, ठीक है। मतलब आज आप जल्दी नहीं आओगे? कोई बात नहीं, मैं जो आपको रात को बर्थडे सरप्राइज देने वाली थी वो भी दे देती हूँ। सरप्राइज? यस। हटाओ हटाओ। अब बोल बोल। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। शुरू हो जाओ। देवास, मैंने जो देवास रानी मंदिर में मन्नत मांगी थी ना, ये सब उसका ही फल है। हमें दर्शन करने जाना ही होगा। पापा का फोन है। हेलो। हाँ संध्या। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो संध्या, हेलो। हाँ संध्या। सर मैं अनंत बोल रहा हूँ। हाँ अनंत बोलो। सर मैंने यहाँ डीओ के अस्पताल में पिछले 6 महीने में आए सभी मरीजों की लिस्ट खंगाली है। कोई सस्पेक्ट मिला? संदिग्ध तो नहीं मिला सर, लेकिन माजिद के घर से जो बोरी मिली थी जिस पर लेप लगा हुआ था, यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि उस तरह की बोरी यहाँ एक आदमी लेकर आता था। कौन आदमी? राजेंद्र नाम है उसका, सब्जी वाला है, पिछले कुछ महीनों से अपने बेटे के इलाज के लिए आता है। अब माजिद के घर में इस राजेंद्र सब्जी वाले के बैग का पहुंचना या तो महज इत्तेफाक हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि यह राजेंद्र सब्जी वाला देवास में माजिद का कोई स्लीपर सेल है। सर इस राजेंद्र की एक सीसीटीवी इमेज मैंने आपको मोबाइल पे सेंड की है। ठीक है मैं देखता हूँ, पर इस राजेंद्र की बैकग्राउंड भी चेक करवा दें। तब तक तुम अपनी पूरी टीम के साथ इसके घर के आसपास डटे रहो, नजर रखो उस पर। ओके सर। क्या हुआ मेरे बच्चे, तो इतना परेशान क्यों है? अब्बू मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू तो बहुत किस्मत वाला है कि तुझे अल्लाह पाक ने खास मकसद के लिए चुना है। हमको तुम पे नाज है। तो एक भाई ठीक कहते हैं, तू एक पाक मकसद को अंजाम देने जा रहा है। कल की सुबह इस मुल्क में नया अंधेरा लेकर आएगी। साहब का तीसरे माले पे वो बीच वाला घर। 4 लोग मुझे यहाँ चाहिए ऊपर। ओके, एक स्नाइपर मुझे यहाँ से दूर चाहिए, दरवाजे पर निशाने लगा के रखना, और 2 लोग मेरे साथ आओ, बच्चों को औरतों को सबको बाहर निकालना है बिना शोर मचाए, चुपचाप मूव। साहब
तो उस भीड़ में शामिल हो जाना, ये तेरा आखिरी इम्तिहान है, तुझे जन्नत नसीब होगी। अब्बू, जन्नत जाना ही था तो मेरे पैर तोड़ने की जरूरत क्या थी? मैम, हमारे हिसाब से वो लोग सामने वाले रूम में हो सकते हैं। ओके, हमारे चार कॉन्स्टेबल वहाँ ऊपर तैनात हैं और एक शूटर वो सामने वाली बिल्डिंग में तैनात है। वेरी नाइस। सब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। अलर्ट रहो, ये जो आदमी है इसका नाम राजेंद्र नहीं, इसका असली नाम है शोएब। जागरण मंच के ऑफिस में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें शोएब का हाथ था, और आसपास की बिल्डिंग को खाली करवाना शुरू करो। इंस्पेक्टर अनंत इस काम में लगे हुए। भाभी, हम लोग भी बातों में लग गए, देखो ना कितनी देर हो गई है, दिन भी चढ़ गया है। श्रीधर ने ना हम सबके लिए वीआईपी पास अरेंज किए थे मंदिर के, थोड़ा जल्दी कर लो ना भाभी। हाँ राजेंद्र भाई साहब, आप भी तैयार हो जाइए, थोड़ा जल्दी कर लीजिए ना। जी बिल्कुल। दीदी आप चलिए ना, हम आते हैं। अच्छा ठीक है। ओपन फायर। अनंत को गोली लगी है। हैप्पी बर्थडे पापा, एडवांस में। थैंक यू सो मच। और ये तुम्हारा गिफ्ट ना, मैं अभी खोल के देख लूं। वॉच? यस वॉच। अब आपको हमेशा टाइम पे घर आना ही पड़ेगा। चल रहा पीछे, किसी ने भी चलाकी दिखाई ना तो ये बटन दबा दूंगा, इस पूरी फिल्म को शमशान में आ दूंगा। पीछे हो जाओ। इस आदमी की बीवी और बेटी इस बिल्डिंग में फंसे हुए। हाँ क्या हुआ? सर ये राजेंद्र के हम पड़ोसी हैं साहब, हम लोग देवासी रानी मंदिर मन्नत मांगने के लिए जाने वाले थे साहब। साहब मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि राजेंद्र ये सब करता है साहब। साहब मेरी पत्नी और बच्ची अंदर है साहब, प्लीज साहब उसको बचाइए। उन्हें कुछ नहीं होगा, आप हमारी मदद कीजिए। ये बताइए कि राजेंद्र के घर में एग्जैक्टली कितने लोग हैं इस वक्त? सब, राजेंद्र के अलावा उसकी पत्नी कांति है, एक रिश्तेदार है सर, और उसका एक बेटा है सर वीर, उसकी टांग टूटी हुई थी सर। तो राजेंद्र ने मन्नत मांगी थी कि अगर उसका पाँव ठीक हो जाएगा तो वो देवासी में चढ़ावा चढ़ाएगा सर। राजेंद्र ने मन्नत मांगी? हाँ सर। वो देवासी मंदिर पहले भी जा चुका है? हाँ सर, कई बार गया सर। संयुक्ता, लगता है इन लोगों का मेन टारगेट देवासी मंदिर ही है। तो मैं काम करूँ, एक टीम लेकर फौरन देवासी मंदिर जाओ, वहाँ के ट्रस्ट से बात करो, उनसे कहो जितने भी श्रद्धालु हैं सबको बाहर निकालें और गेट बंद करें। संध्या भाई, लेट मी टॉक टू हर। ओके सर। सर सब ठीक है? सर एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं यहाँ रुकती हूँ। मैं संयुक्त, मेरी जरूरत यहाँ पर है। एक सच्चे सिपाही के लिए देश हमेशा नंबर वन प्रायोरिटी होता है, लेकिन ये जो हालात थे वो काफी नाजुक थे। कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगी थी, और मंदिर में मौजूद हजार लोगों पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा था। सीएसएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी एक भूल का मतलब था माजिद के मंसूबों का कामयाब होना। One, two, three, go. मंदिर का नक्शा, तो इसका मतलब इनका मकसद सुसाइड बॉम्बर के जरिए देवास मंदिर में ब्लास्ट करना ही था।
हाँ संजू, सब मंदिर से लोगों को सेफली बाहर निकाला जा चुका है। बॉम्ब स्क्वाड ने मंदिर का कोना कोना स्कैन किया है। इट्स टोटली सेफ सर। आपकी वाइफ भी सेफ है सर। हेलो आदिल। संध्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है सर। शुएब, जिसे आप राजेंद्र के नाम से जानते हैं, वो पुलिस माजिद का साथी है। माजिद और शुएब ने मिलकर ही प्लान बनाया था। दो ब्लास्ट करने का प्लान था। एक ब्लास्ट जागरण मंच के नेता गोपाल स्वामी को मारने के लिए था, ताकि पुलिस उज्जैन में ही इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में बिजी रहे और वो दोनों अपने असली मिशन को अंजाम दे सके। देवाशी रानी मंदिर में ब्लास्ट करके, जहाँ अष्टमी पूजा के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और तुमने इस घिनौने काम में अपने शोहर का साथ दिया। मजबूत थी मैं। आदिल खान की लीडरशिप में सिविल सिक्योरिटी फोर्स ने जितनी सफाई से साजिश को नाकाम किया, वो काबिले तारीफ। आदिल खान और उनकी टीम ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान बचाई, बल्कि रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले किसी भी नागरिक को आज तक नहीं आने दी। अब मैं अर्जुन कपूर आपसे इजाजत चाहूंगा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।